नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं अधिकारी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है जुकू वैली नाइट कैंपेन। आखिरकार आज हम देखने वाले हैं, आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ, हम सबका इंतजार खत्म हुआ। सो आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जुकू वैली नाइट कैंपिंग इन नागालैंड। सो स्टार्ट करते हैं। तो असम की एक लोकल ड्रिंक, भाई खतरनाक लग रहा है, वोदका के अंदर स्प्राइट मिला रहे थे। हेलो, हाय, yeah, from Haryana. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. सर आपका नाम क्या है? निसापी। Good morning guys, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज का मेरा जुको वैली का ट्रैक। तो अभी मैं निसापी भाई साहब के साथ ऊपर तक जा रहा हूँ। जुको वैली का ट्रैक स्टार्ट होता है विश्वमा विलेज से, और वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी, और गाड़ी आपको मिलेगी 1500 में, जो एकदम आपको टॉप तक छोड़ देगी। और अगर आपको सर के पास गेस्ट हाउस भी है, जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था वो सर का ही था, सर के पास गाड़ी भी है, सर आपको ऊपर तक छोड़ देंगे। और इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने नीचे मैंशन कर दी है, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है वो सब। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं आप। तो जुको वैली में जाने से पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और अब एक आईडी अपने साथ लेके आइए हमेशा। तो मेरे पास मेरा डीएल है, तो मैं डीएल दे दूँगा सबको। तो ये देखिए आप, वो नीचे है विश्वमा विलेज, जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा, उधर आगे और दूसरे गाँव में पड़ते हैं। ये है मेरा जुको एंट्री कार्ड, 100 रुपये मेरी एंट्री फीस, और 200 रुपये मेरे कैमरा के। बड़ा खतरनाक रास्ता था। तो अब मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ कि क्या हुआ। गेस्ट हाउस के बाहर ही मुझे भाई साहब मिल गए थे, और उनके साथ मैं इधर ऊपर तक आ गया। और अगर आप अपनी स्पेशल गाड़ी करके आते हो, चाहे आप 10 बंदे हो चाहे 15 बंदे हो, आपको 1500 रुपीज़ गाड़ी के पे करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली सुमो आपको यहाँ तक छोड़ देंगे। नीचे से यहाँ तक का सफ़र है ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का, और इससे आगे 3-4 घंटे की ट्रैकिंग और रह जाती है। 1 घंटे तो पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद आ जाएगा प्लेन एरिया। लेकिन प्लेन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा मड और बहुत ज़्यादा पानी होगा, उसके अंदर से आपको चलना पड़ेगा, जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये है मेरा राशन वाला और खाने वाला बैग, और बाकी अभी ऊपर से कुछ आसाम के भाई भाई आए हुए थे, तो मज़े आएंगे ना ट्रैक में एकदम। चलो यार, थैंक यू भाई, हैप्पी जर्नी भाई। अपन तो एकदम एक ही टाइप का, मैं भाई का भी पेट आ रखा और मैं भी एकदम मोटा हो रहा हूँ। ओके बाय यार। तो कर दिया मैंने ट्रैक स्टार्ट, ये वही जो मेरी हाइकिंग स्टिक थी ले लिया। अच्छी बात क्या है कि गायब होने का भी डर नहीं है। मैंने मैप्स में के ऊपर यहाँ का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया है, और उसके ऊपर सारे ट्रैक पॉइंट है, तो यहाँ से रास्ता भटकना मुश्किल है थोड़ा। आवाज़ सुन रहे हो आप? बड़ी सेक्सी आवाज़ आ रही है ना जंगल की। बाकी आप यहाँ से ट्रैक का जो रास्ता वो देख सकते हो। ये जो जंगल की आवाज़ है ना, ये आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको ऐसे निकालती है कि क्या ही बताऊँ। इस साल चाहे मैंने कंट्री कम घूमी हो, लेकिन इस साल ट्रैक बहुत किए हैं मैंने, और मस्त मस्त वाले ट्रैक। खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे पे? यहाँ से व्यू तो खतरनाक आ रहा है। उधर बादलों के बीच में थोड़ी सी जगह है, वहाँ से गांव सा दिख रहा है।
और जो ट्रैक वो थोड़ा सा और बचा, उसके बाद एकदम मैं टॉप के ऊपर पहुँच जाऊँगा। जूतों की और पैंट की जो हालत है वो खराब होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर ये खराब नहीं होगी तो मजे भी नहीं आएंगे यार। चैलेंज ही तो आपके अंदर डोपामाइन रिलीज करवाता है, और उस डोपामाइन के बिना मजे थोड़ी आते हैं। नशे ऐसे करने चाहिए जो आपकी बॉडी को थ्रिल दे, आपको नया एक्सपीरियंस दे। छोटे मोटे नशे होते कोई खुश हो जाता है। अब जैसे मैं अल्कोहल ड्रिंक करता हूँ, लेकिन जो नशा इन टाइप की इस टाइप की चीज़ों में ना, वो नशा उसमें तो क्या है, भंड होकर बैठ जाओगे आप, ठीक है, हाँ हाँ दिमाग घूमने लग जाएगा, थोड़ी देर खुश हो जाओगे। असली नशा होता है स्टोरी टेलिंग का, जब आप अपने एक्सपीरियंस दूसरों को बताते हो और जनता एकदम हकी वकी रह जाती है कि भाई साहब तूने ये भी कर रखा है, वहाँ कर रखा है यार। तो जितना भी एलिवेशन था वो शायद यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब आगे जो प्लेन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इस चढ़ाई में लगभग हमें लग गए 1 से 1.5 घंटे, और आगे 3 घंटे और लगेंगे। ये नीचे वाला और यहाँ से अब दूसरा आगे का रास्ता। तो स्वागत है आपका जुको वैली में। बाकी जुको वैली में अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अपने दो भाइयों से। हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? ओ भाई साहब मज़ा आया यार, मज़ा आया साथ में, दो दिन साथ में पूरा मस्त इंजॉय किया हम लोगों ने। ये है अपने संदीप भाई, भाई का नाम रोशन, मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था, सॉरी यार। भाइयों से मैं मिला था किधर, लास्ट टू लास्ट आपने वीडियो देखी होगी ना, जब मैं उधर कैथेड्रल से नीचे आ रहा था, और जैसे ही मैंने वीडियो खत्म की नीचे भाई आ गए। भाई हल्ला देख रहे हो, पसीने में एकदम मस्त तरीके से हो गई। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मजा आया, जो भाई को देखते हैं यूट्यूब पे भाई उससे अलग है, उससे काफी अच्छा है। अरे यार लोग सोचेंगे फेक है साला, उससे काफी अच्छे हैं, मतलब उससे काफी, मतलब यूट्यूब पे अच्छा नहीं है, मतलब मजाक कर रहा हूँ यार। तो आप जब नीचे से आओगे ना यहाँ तक, तो यहाँ तक तो आपको नेटवर्क मिलेगा, और अब जैसी वैली की तरफ हम घुस जाएंगे ना, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा। तो पसीने के कारण पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है। काफ़ी लोग टी शर्ट के, श्रीलंका में जब मैंने टी शर्ट पहनी थी उनके बारे में पूछ रहे थे, तो भाई वो टी शर्ट मैंने खरीदी थी डीकैथलॉन से, और उस टी शर्ट का प्राइस था 500 रुपये। ये भी मैंने उसी टाइम मंगवाए थे, तो वहाँ से खरीद सकते हो, काफ़ी लोग पूछ रहे थे उसके बारे में। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे बैठेंगे, भाई और निकल जाएंगे, मैं भाई और के पीछे पीछे जाऊँगा। जा तो साथ में सकते थे, लेकिन यार तीनों साथ में होंगे ना तो नेचर की बजाय हम आपस में ज़्यादा बातें करेंगे। यहाँ पर बैठे बैठे मैं राजस्थानी गाने सुन रहा हूँ। ये वाला गाना मस्त लगता है मेरे को, जब बाहर होता हूँ ना मैं सुनता ही नहीं इस गाने को। कौन सा गाना? राजस्थानी है? ये रे सुनना ये। ये जो देश है, क्या बात है, पंच एनर्जी आ रही है यार। बाकी कचरा यहाँ पे भी है यार। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हो यार, प्लीज़ सामान लेके आओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं भी लेके आया हूँ, मैं भी 4-5 पैकेट मैगी के लेके आया हूँ, ऑफकोर्स उसमें प्लास्टिक है, लेकिन जितना प्लास्टिक लेके आते हो साथ में ले जाओ यार, क्या होता है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो जो रेनकोट है उसको निकालना पड़ेगा। अब आगे का रास्ता प्लेन होने वाला है, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कई जगह पर इतना इतना पैर पानी के अंदर चला जाएगा। बारिश स्टार्ट होने के कारण मैंने भी जो अपना रेनकोट था वो पहन लिया। इस रेनकोट की सबसे खास बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बल्की है, तो आगे वाला बैग भी इसके अंदर फिट हो गया और पीछे वाला बैग भी इसके अंदर फिट हो गया, तो चीज़ें गीली नहीं होंगी। रोशन और संदीप आगे निकल गए थोड़ा, मैं भी उनको भी कैच कर लूँगा। और ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो अगर आप मान लो जुको को आ रहे हो, तो इस पॉइंट पे आके आप घर पे बात बात कर लीजिए, घर वालों को बता दीजिए कि भाई अब 1 से 1.5 दिन तक मैं एकदम नो नेटवर्क जोन में जा रहा हूँ। और अच्छा है यार, जब आप नो नेटवर्क जोन में होते हो तो नेचर को आप ढंग से वो करते हो, फिल्म करते हो, देखते हो, नहीं तो आप फ़ोन में बिजी रहते हो ज़्यादातर। अजीब टाइप की भसड़ सी हो गई थी यार, क्या हुआ, पहले बारिश होने लग गई, फिर मैंने घर पे एक बार बात बात की, उसके बाद बारिश चली गई और गर्मी लगने लग गई, फिर तो मैंने वापस से जो रेनकोट था वो निकाल दिया है। तो ये है भाई अपना व्यू, जिसको अभी अलविदा बोल के दूसरी तरफ ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। बाय बाय इंटरनेट, यहाँ पे अब इंटरनेट चला जाएगा। आपने एक चीज़ और नोटिस की है, इधर इस साइड आती वेजिटेशन एकदम अलग तरीके से बदल गई है। उधर काफ़ी पेड़ पौधे थे, जंगल वंगल टाइप में बड़े बड़े पेड़ देखे उधर जो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन इधर एक तो शायद पिछले साल जुको वैली के अंदर वाइल्ड फायर हो गई थी, तो ये पेड़ पौधे जले में आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये पेड़ होते तो भी इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं है यहाँ पे जितने उस साइड थे। झरने की आवाज़ आ रही है, और इस टाइप का रास्ता है पूरा अभी आगे। रोशन और संदीप आगे निकल गए, मैं थोड़ा घर पे और पे बात बात करने लग गया था। और ये देखिए भाई, इसी टाइप के रास्ते में चलना है। ये देखिए मैप्स में के ऊपर मैंने ये ट्रैक डाउनलोड कर लिया था पूरा, ऑफलाइन मैप,
तो इसमें डिस्टेंस अभी भी है 4.6 किलोमीटर, तो लगभग 3 घंटे लग जाएंगे हमें, 5:30 बज जाएंगे यार पहुँचने में, बहुत लेट हो गए। और धूप आ गई है वापस से, अरे बाप रे। स्वाद आ रहे हैं भाई, कति स्वाद आ रहे हैं। वैसे वाटरप्रूफ जूतों का इतना फायदा हुआ नहीं, मेरे पैरों के अंदर अब मेरे जुराबे गीले हो गए, जूते भी अंदर से गीले हो चुके हैं। लास्ट ईयर आग ने है ना काफी नुकसान कर दिया, ये जो आपको पेड़ पौधे दिख रहे होंगे ना काले काले, ये लास्ट ईयर वाइल्ड फायर हुई थी जुगो वैली में, उसके अवशेष हैं सामने देखिए आप। इनमें से लगभग पौधे एकदम खराब हो गए हैं, कभी जन्म नहीं लेंगे दोबारा। अगर जुगो वैली एकदम ग्रीन देखनी है तो मॉनसून इज द बेस्ट टाइम, और विंटर के टाइम जब हॉर्नबिल होता है तब आप ब्राउन और येलोइश जुगो वैली को देखोगे। बीच बीच में देखिए ऐसा व्यू आ रहा है, खतरनाक है भाई, खतरनाक है ये। हालत माड़ी है जूतों के मामले में, तो चाहे कैसे जूते पहनो। थोड़ी दूर रह, ज्यादा दूर नहीं है, पंगा ये कि अंधेरा होने से पहले पहुंचते हैं। ये देखो जूतों की मस्त मस्त हालत, देखो पूरा अंदर पानी जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, जुराबे गीली हो गई हैं हर तरीके से। मुझे लगा था अब आगे गीला वीला नहीं होगा, लेकिन पता नहीं इन पौधों में दबा, इन ये जो क्या है जो भी है इनमें दबा के पानी था, आगे वाला भाई गीला हो चुका है, ये टी शर्ट वापस से गीली होगी, लेकिन सूर्य देवता वापस से निकल गए तो आई थिंक जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। इस सामने जो आपको घर दिख रहे हैं ये है कैंपिंग वाली जगह, और वो है मेन जुको वैली का व्यू। पहली बात तो लग ही नहीं रहा है वो असली चीज़ है भाई, क्या बनाया बनाने वाले ने। स्वागत है आपका जुको वैली के अंदर। भाई जूते निकालो, एकदम गीले हुए हैं, जुराबे भी गीले हैं, इनको सुखाना तो पड़ेगा ही, फिर टेंट भी पिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना कैंप पिच करने वाला हूँ, बड़ा टाइम लग गया यार यहाँ पे पहुँचने में, कल जाते टाइम मैं दूसरे रास्ते जाने वाला हूँ, वो शायद जख्म है वो रास्ते में पड़ेगा वो। यहाँ पे आपको अंदर डोमेट्री मिल जाएंगी, यहाँ पे कैंप भी मिल जाएंगे, और आप अपना खुद का टेंट भी पिच कर सकते हो। शायद ये जो कैंप है इनके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1000, खुद का टेंट पिच करने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज़ ना 200 रुपीज़। मैंने भाइयों से पूछा कि यार मैं हेलीपैड के ऊपर कैंपिंग कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने मना कर दिया कि हेलीपैड के ऊपर कैंपिंग करता हूँ नहीं। ये असली है नकली है यार? इतनी अच्छी जगह कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? ये नेसा का दान है यार। आपका नॉर्थ ईस्ट है ना एकदम ब्लेस्ड, आप नॉर्थ ईस्ट से हो ना? असम से हो, नॉर्थ ईस्ट ब्लेस्ड है यार, पता नहीं भगवान ने एकदम फुर्सत में बनाया टाइम निकाल के कि चलो अब नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं। पहले टाइम आया हो आप? नहीं यार, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का लास्ट स्टेट है, सब सिर्फ सिक्किम बचा है अब, सिक्किम है बाकी सब, वहाँ जाऊँगा यार। मैं हरियाणा से हूँ भाई, हालक से है ना कुछ निकल ही नहीं रहा है, इतनी मस्त जगह है। कल सुबह लगभग सनराइज होगा ना तो मैं उधर भाग के चला जाऊंगा। जखा में से छोटा है लेकिन स्टेप ज्यादा है, मतलब जो जो बंदा बिल्कुल भी ट्रैकिंग नहीं करता वो भी इजीली कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। दिशा में से कर सकते हैं? हाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हो? सही यार, पहले ट्रैक में जन्नत देख लिया हमने तो। हां वो तो सुकून मिल गया है यहां से। तो यहां पे आप डोमेट्री में रुके हो क्या? हां डोमेट्री में रुका हूं। अच्छा, तो यहां प्राइस लिस्ट वहां लगी हुई ना शायद? हां, पर 100 पर हेड 100 रुपीस। अच्छा, डोमेट्री का 100 रुपीज़ पर बेड, और इन टेंट का शायद 1000 है ना? चाहो के टेंट का अलग है, हम टेंट खुद लाए हैं लेकिन वहाँ ठंड कम होगा ना तो इसलिए डोमेट्री में। ठंड कितना ही होगा? स्लीपिंग बैग नहीं आपके पास? नहीं, स्लीपिंग बैग नहीं है। स्लीपिंग बैग क्यों नहीं लेके? नहीं, दोस्त बताया था कि यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसा भी है। नहीं चलो सही है, चलो एक बार मैं टेंट वेंट पिच करता हूँ और उसके बाद आगे का जो माहौल है खाना वाना भी बनाऊंगा और वो सब करेंगे। वो जगह है, अच्छी जगह है, वहाँ पे पिच कर लेते हैं।
तो उधर मेरा कैंप मैंने पिच कर लिया है और पीछे यहाँ पे आपको अगर अगर आप कैंप वैम्प पिच नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको डोमेट्री भी मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको प्राइवेट केबिन भी मिल जाएंगे। प्राइवेट केबिन है उधर और इधर आपको डोमेट्री और सब किचन विचन मिलेगी। यहाँ पे आपको वैसे कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, चाय भी मिलेगी आपको यहाँ पे, खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ये रहा भाई यहाँ का फेमस कुत्ता, स्नो नाम है शायद इसका। तो ये भाई टेंट पिच कर लिया है, अंदर सब कुछ लगा लिया, थोड़ी देर में खाना वाना बनाना स्टार्ट करूँगा। नींद भी आ रही है मेरे को, अभी पहले नींद आने लगी है, देख रहे हो आप। लेकिन जो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे बंदे वंदे नहीं मिलेंगे, तो ऐसा सीन नहीं, आपको बंदे यहाँ पे हर टाइम मिलेंगे, कभी भी आ जाइए, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। अब जैसे कुछ भाई कर्नाटका से आ रखे हैं, है ना। धन्यवाद उगलो भरत। बाकी पैंट के हालत देखे यहाँ पे, इन भाइयों से मैंने चप्पल मांगी, चप्पल अलग अलग मिली लेकिन मिल गई, एक अलग कलर की एक अलग कलर की। और जो मेरे जूते की हालत है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से ख़राब हो चुकी है। लेकिन यही इस हाइकिंग का चैलेंज है, यहाँ पे आपको हाइट उतनी ज़्यादा है नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे उस मिट्टी का और वो कीचड़ का, कीचड़ दबा के साथ। देखा होगा आपने एक बार तो मेरा कितना पैर ना पानी के अंदर चला, उस कीचड़ के अंदर चला गया था यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा। तो फिर चाहे आप यहाँ पे कैसे भी वाटरप्रूफ शूज़ पहन के आ जाइए, 90% चांसेस हैं कि आपके जो जूते हैं या फिर आपका जो पैर है या फिर आपके जो सॉक्स हैं वो गीली हो जाएंगे। अगर आपके भाई एकदम नी तक के जूते हैं तब शायद ना भी हो। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि आप यहाँ पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हो तो यहाँ पे 10,000 रुपये का फ़ाइन है, तो लेके भी मत आना आप ड्रोन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ड्रोन यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। अच्छी बात यहाँ पे और पता है क्या है कि यहाँ पे इंडिया के हर पार्ट से बंदे आ रखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक दिल्ली का भाई मिला, कर्नाटका वाले भाइयों से तो मिले ही होंगे, मैं हरियाणा से हो गया, रोशन और संदीप उधर से मिल ही लिए थे आप थोड़ी देर पहले, और अभी एक आसाम से भाई आए हैं। तो आपको मीनिंग यूँ बोल सकते हो कि इंडिया मिल जाएगा आपको इधर। पहले आप यहाँ पे कैंप फायर वायर कर सकते थे लेकिन अब शायद अलाउड नहीं है। कैंप फायर करते हैं क्या? नहीं। अच्छा ओके थैंक यू। तो पहले मेरा प्लान था अकेला खाना वाना बनाने का सब करने का, लेकिन प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। जो अपने आसाम से भाई आए थे, पहले तो मैं उन लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो दादा मैं सबका नाम भूल चुका हूँ, दोबारा इंट्रोड्यूस कराइए। माय नेम इज प्रियम। प्रियम फ्रॉम गुवाहाटी। गुवाहाटी एंड यू गाइस? हेलो, मेरा नाम है अंकुर और गोलपर से हूँ। इतना सोचना पड़ा क्या? मैं सोच रहा था कि जहाँ रह रहा हूँ उसका जग एड्रेस। पैदा कहाँ हुए थे? पैदा गोलपुरा में हुआ। गोलपुरा में। और आप दोनों? मेरा नाम पूनम रॉय है और मैं धुबरी से। धुबरी से। एंड आप? प्लान था कि यहाँ पे बोन फायर करके चिकन बारबेक्यू करें, लेकिन शायद उसकी परमिशन यहाँ मिली नहीं, तो अब हम मैगी वैगी बनाने वाले। जो मेरे पास गेस्ट हो था वो खोल लिया है, और जो ये छोटा सा टेबल करें दादा स्टार्ट। हाँ कर सकते। नहीं, उसके पहले आप ये ट्राई कीजिए। ये क्या है पहले आप बताइए मुझे? डिमासा का लोकल ड्रिंक है, राइस से। अल्कोहल? हाँ, अल्कोहल। कितना परसेंट होगा इसमें या कोई वो? ये तो मेरे को नहीं पता। अरे लेकिन थ्री इयर्स। हाँ थ्री इयर्स। थ्री इयर्स। तीन साल। हाँ। तो ये काइंड ऑफ बियर है या फिर विस्की टाइप में आती है? ये बियर के टाइप में आता है। अच्छा, कह रही है स्वीट है। स्वीट है? वाइन है क्या? वाइन ही पकड़। नहीं, वाइन बोल सकते हैं। नशा कैसा होता है इससे? भाई मैं ट्राई करने वाला हूँ। नागालैंड के कहाँ की है ये? आसाम की। तो आसाम की एक लोकल ड्रिंक लाइए दादा। अच्छा बोतल पे पीना है? अरे मेरे पास वो ऐसे भाई खतरनाक लग रहा है। मीठा है कि नहीं? अच्छा यार, यूं लग रहा है कि वोदगा के अंदर स्प्राइट मिला रखी है। सॉरी। प्लीज प्लीज मीठा ट्राई करिए यार, अच्छा है। हाँ वैसे लग रहा है, यूं लग रहा है ना वोदगा के अंदर मिक्स लग रहा है। अल्कोहल का बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है। अच्छा है। पर आपने पियेंगे? कल से पी रहा है। अच्छा तभी पेट खराब हुआ है लग रहा है। ये गैस कैनिस्टर खरीदा था मैंने 100 रुपए का, और बाकी शायद आपने लास्ट में देख लिया होगा। कितने टाइम चलता है ये? ये 2 घंटे चल जाएगा यार मेरे हिसाब से। और मजे की बात क्या है कि आज अप्रियो भाई का आज बर्थडे भी है। प्रियम। प्रियम। यार क्या हो रहा है यार, सॉरी यार मैं नाम के साथ बहुत गंदा हूँ। ये जुकू वैली का फेमस कुत्ता,
अब यार कुत्ता बोलूंगा तो भी लोग चिढ़ जाएंगे, क्या बोलूं इसको, डॉग बड़ा फेमस है भाई ये, बहुत फेमस है। अरे 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 इतना प्यार आ रहा है तेरे को है स्नो, एक पप्पी दे दे यार ओ स्नो। अरे 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 पूछ हिला रहा है अपने, हाय हाय क्या बिजली कड़की है, जल जाएगा सर। अरुणाचल में तो जितना भी अमीर अमीर आदमी हो एक्स्ट्रा किचन होगा ये सर। हाँ यार तो अभी हम आज की हमारी बोनफायर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, प्रियम भाई ऊपर से चिकन विकन लेके आए थे, लेकिन फिर प्रियम भाई ने यहाँ पे बंदों से बात बात की और फिर उनके जो किचन है वहाँ पे हमें परमिशन मिली है खाना वाना बनाने की। जीरो अटेंड किया है क्या हमने? जीरो नहीं, नहीं किया ना अभी तक। कैसा होता है? मैंने तारीफ तो बहुत सुनी है जीरो की, मतलब बढ़िया होता है, बढ़िया मस्त। कब होता है वो? अभी नेक्स्ट मंथ को है, आप जाइए जीरो सितंबर को है सर, और नवंबर में वीकेंडर है सिलोन उसमें जाएगा। वो कैसा है? वो भी मतलब बड़ा है, कैसे कैंपफायर टाइप होते हैं क्या वहाँ पे भी? हाँ अपना आप गाड़ी ले जाओ, कैंप ले जाओ, टेंट ले जाओ, जाओ आप खुद बनाओ खुद खाओ खुद। एक है कांगसुरी वाटरफॉल, उसमें भी कैंपिंग होता है, अच्छा होता है उसमें। तो भाई बहुत देर से हम मेहनत कर रहे थे, फाइनली आग जल गई है। पंगा क्या था कि ये लकड़ियाँ भी गीली हो रखी थी, और इस सभी चीज़ों का क्रेडिट जाता है प्रियम भाई को, थैंक यू यार। बहुत गीली है अभी तक आग नहीं पकड़ी, अंदर मत डालते हैं ऊपर ही कर दे, एक घंटा के लिए आग जलेगी ना फिर आग बन जाएगी। अच्छा नीचे और कुछ नहीं, बस अब मत लगा यार, थोड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे बुझने सी लग गई है, ऐसी ऐसी चीज डाल तो जल्दी आग पकड़े। प्रियम भाई ने अपना चिकन निकाल लिया है और अब चिकन के जो ऊपर फैदर वैदर है उसको ठीक कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। क्या कैसे बनाएंगे आप? कैसे बारबेक्यू? ऐसे करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, अंदर का निकाल के। हाँ बारबेक्यू ऐसे भी दोनों पड़ेगा। भाई अंधेरा मस्त हो गया और ये ओस आने लग गई है, देखिए अगर आपको देख पा रहे हो तो। अब मुझे अंदर जाना चाहिए और सो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाऊंगा। भाई थोड़ी ठंड सी लग रही है तो थोड़ा गर्म पानी पीने का मन कर रहा है, देख रहे हो भाई कैसे जुगाड़ से खाना बना रहा है, टेंट गर्म हो रहा है, अच्छी बात ही है, बाहर ठंड हो रखी है अच्छी वाली, तो देख रहे हो आपका भाई एकदम कैंप के अंदर इतनी हिम्मत कर रहा है ये इस छोटे से टेबल के कारण। नीचे जो मैट्रेस है वो भी मेरा, अगर थोड़ी सी भी गर्मी लग गई ना तो फट जाएगा। ऊपर आने के बाद ना काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें हुई, एक तो अलग अलग जगह से लोग मिल गए, उन भाइयों के साथ बातें बातें करते रहे, और उसके बाद थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा हमने मैगी वैगी ट्राई की थी, और मैंने यहाँ की जो असम की एक लोकल ड्रिंक है वो ट्राई की, और फिर हमारा प्लान था चिकन विकन खाने का, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, भाई और अब बना रहे थे और मेरे को आने लग गई थी नींद, लेकिन जब कैंप में आए तो यहाँ पर सर्दी लगने लग गई, और सर्दी से बचने का सबसे बेस्ट उपाय है चाय। श्रीलंका की कैंपिंग वाली वीडियो देखी थी, उससे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे जैसे इसका प्रेशर लूज़ होगा ये ठंडी होती जाएगी, तो भाई ये सिलेंडर बाहर जो टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पानी शायद गर्म हो चुका है, और अब मैं ये चाय निकाल रहा हूँ। ये गया एक टी बैग, ड्राई फ्रूट्स के बैग में मैं टी बैग्स डाल के लाया हूँ। देख रहे हो अपने भाई की कलाकारी, टेंट के अंदर चाय बनाई है। मजे आ गए भाई, पौने 12 हो चुके हैं और 5:30 बजे उठना भी था मुझे। कैंपिंग की इन चीज़ों में ना टाइम बहुत लगता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन टाइम का बहुत जल्दी चला जाता है क्योंकि आप एकदम एक्टिविटी में आप इधर से उधर कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। ज़्यादा देर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि साइड में लोग सो रहे हैं, साइड में और भी गेम लगे थे ना जो आपने शायद पहले थोड़ी देर पहले देखे होंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप इंजॉइंग योर लाइफ। नेक्स्ट वीडियो में आप जूको वैली का दूसरा पार्ट है वो देखने वाले हो। ठंड थोड़ी थोड़ी होने लग गई है तो बस सोना ही है, जो चाय पी आधी चाय पी आधी चाय फिर फेंक दी मैंने यार, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, उल्टी अंदर ठीक ठाक गर्मी आ गई है, बस पैर थोड़े थोड़े ठंडे हैं, मैट्रेस काफ़ी अच्छा है यार, ये श्रीलंका के टाइम पे तो रात को इतनी आंधी चल रही थी तो सोने का तो मौका ही नहीं मिला था, लेकिन आज हवा बिल्कुल भी नहीं है,
ठंड है थोड़ी बहुत, लेकिन ठंड के साथ एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि जैकेट वैकेट पहन लिया मैंने। तो गुड नाइट गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। जी जनाब। अच्छा आज ब्लॉग की पहले तो मैं खास बात ये करूँ कि जो नज़ारे थे वो मुझे किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो रियल नज़ारे हैं, वो ओरिजिनली पाए जाते हैं, उनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो और वो वाकई कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इतने खूबसूरत नज़ारे, इतने खूबसूरत मंजर जो उन्होंने कैद करके हमें दिखाया वो रियल में है। पहली बात ये, दूसरी बात ये, इस भाई का आज थोड़ा सा हमें नेचर पता चला है, थोड़े खुल कर आए हमारे सामने, हरियाणा से हैं, बातचीत से नेचर से मुझे लगा बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े फ्रेंक टाइप के हैं, ऐसा नहीं है कि रिजर्व टाइप के लोग होते हैं, बहुत पर्सनल रहते हैं, उस टाइप के नहीं हैं। दूसरी बात ये कि शौक़ क्या है, क्या चीज़ें इनको पसंद है, जैसे कि इन्होंने बताया कि मुझे इस तरीके से नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, एक कंट्री नहीं कई कंट्रीज में घूम चुका हूं। कम रह गया खाली, पूरा इंडिया काफ़ी जगह, बड़ी बात है। अच्छा एक चीज़ है कि हम इनसे बड़ा जुड़ चुके हैं, मतलब हमने इनको पहली वीडियो देखी उसमें, मतलब ये कि ये नागालैंड और ये बहुत जल्दी ये जुकू वैली की तरफ जा रहे थे, तैयारी हमने देखी, जुकू वैली की हमें बहुत इंतज़ार था, तो अब ये बाकायदा वहाँ पहुँचे हैं, बल्कि अभी भी और आगे भी जाएंगे शायद, है ना, आगे जाएंगे ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानियाँ, कीचड़ में से जाना, पैर गंदे हो गए, मिट्टी वगैरह, लेकिन इंसान की फितरत है, इंसान कुदरत की खूबसूरती के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और कुछ लोगों की तकलीफ में डालने के लिए तैयार है, कुछ लोगों की नेचर में ही शामिल होता है, कुछ लोगों को मतलब बड़ी खुशी होती है कुदरत के नज़ारे। अच्छा एक चीज़ आपने नोट की बड़ी, मतलब मुझे उस बात में इनकी नेचर और अंदाज़ा हुआ कि तीन लोग साथ हैं। मैं अपनी नेचर बताऊँ, कहीं चलना है चलो यार साथ चलते हैं, चलो यार साथ चलते हैं, साथ चलने चलो यार, एक से दो हो जाएंगे तो टाइम पास होगा, अच्छा लगेगा और थोड़ा हौसला हो जाएगा। ये कह रहा है कि हम साथ चल सकते हैं, दो तीन घंटे का सफ़र साथ कर सकते हैं, उन्हें अलग कहा गया तुम चलो, ये अलग जाएंगे, कि अगर हम साथ गए तो नज़ारों के बजाय आपस में ही लगे रहेंगे। जब वो तीन लोग एक जगह मिले थे जहाँ से उन्होंने कहा था सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ से फिर बोला हम साथ तो जा सकते हैं लेकिन हम अलग अलग जाएंगे, हम साथ गए तो नज़ारे मिस कर देंगे। हाँ, उसके लुत्फ को नहीं उठा पाए। कमाल है यार, कमाल है। जबकि मैं अपने आखिरी मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको फीवर हो, मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरीके अच्छा जिस तरीके से इंसान अपने आप को लपेटा हुआ था ना, ऐसा लगता है शायद चाय नहीं पी पाए पूरी आधी चाय फेंक दी, असल में पानी ज्यादा था और चाय मतलब उन्होंने जो पी ली भी बला की थी, कड़ाके की सर्दी पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि चाय पीने से इंसान थोड़ा सा होश में आ जाता है, इंसान के थोड़े से सेंसेस काम करने लग जाते हैं तो नींद उड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। सही है, तो इस वजह से उन्होंने चाय भी कम पी होगी ताकि सो जाऊँ रात। अच्छा इन इलाकों में शाम के बाद अंधेरा शुरू, उसके बावजूद उन्होंने सोते सोते बिस्तर पे जाते जाते 12 बज गए, तो वो जो लकड़ियाँ जलाना और ये वो और लोगों से गप्पे शप्पों में उन्होंने बड़ा टाइम लगाया, और चिकन जो है उसके नहीं वो मुझे अंदाज़ा हो रहा था, यूँ जो आग है आग के ऊपर आप लटका रहे हो चिकन को, यूँ कर रहे हो तो कहाँ बनेगा। नहीं वो जो लोग बना रहे थे मुझे लग रहा है उनको भी कोई खास आता नहीं था, वो ट्राई में कि शायद हो जाए शायद बन जाए, वो कह रहे हैं मैंने बहुत वेट किया लेकिन अब तक अच्छा, तो रेडी नहीं हुआ तो मैं आ अच्छा, गया। आग भी लकड़ियों ने सही नहीं पकड़ी थी, नहीं लग रही आग भी सही थी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। आपने देखा हर जगह नमी हो रही है, उन्होंने फिर अपने हिसाब से जो मैगी वैगी मैगी तो बना लिए थे, वो कह रहे थे कि चिकन हमने ट्राई किया वो शायद बन भी गया होगा बाद में, क्योंकि अभी तो ब्लॉग खत्म नहीं हुआ, ये तो सो ही गए तो वो तो सुबह ही पता चलेगा खाया कि नहीं खाया। खैर वो मैगी वगैरह तो खा लिए थे, तो इनको जब परमिशन मिली ना मजीद पकाने की, क्योंकि इनको अंदर की तरफ आग लगाने वगैरह की परमिशन पहले तो नहीं मिल रही थी, अपने स्टॉफ पे ही शुरू थे, तो इनको जब मिली तो इन्होंने सोचा चलो हम बना लेते हैं, तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। अच्छा मैंने ही देखा हर जगह नम है, लकड़ियों में नमी हो रही थी, नीचे जो आप थोड़ा सा मिट्टी वगैरह देख रहे थे या एरिया देख रहे थे, आप देखते बिल्कुल टोटल ड्राई नहीं हो रहा, वो बिल्कुल गीला गीला सा हो रहा है, जहाँ पे इन्होंने टेंट लगाए हैं अपने कैंपिंग करी है वो वाला एरिया भी गीला गीला हो रहा है। वही आपकी वाली बात है, आप ड्यूरिंग द वीडियो भी कह रहे थे ना मैं निकला हूँ, मैं जब ये ग्रीन टी से पास हुआ हूँ तो मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई है, क्योंकि वो सारी मतलब बारिश है। अच्छा बारिश अब घास जो है घास के अंदर भी सोखती है वो। अच्छा बारिश ना भी हो ना, बादल पूरे दरख्तों को टच होते हुए जा रहे हैं, उनके अंदर भी नमी होती है, फिर वो जगह सारी मतलब काफी हाइट पे भी है, लेकिन बहुत अच्छा बहुत नेचुरली लगा।
और अच्छा, मेल मिला कोई प्लांटेड नहीं, कोई फेक नहीं। इनके व्लॉग की हम पहले ही बात बता चुके हैं और हाँ, और फ्रेंडली बहुत है, हर किसी से गपशप कर लेना, पूछना। कहते रहते कि मैंने सोचा था मैं सब अकेले बनाऊंगा, अकेले खाऊंगा मैगी वगैरह, मैं अपना इंतजाम, और वही हुआ एंड में। लेकिन नहीं, आखिर में ये हुआ कि वही कह रहे थे ना, मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, हम तीन चार लोग, फिर बाद में अकेले ही हुआ। वो अकेले लेटेस्ट हुए। नहीं नहीं, मैगी भी अकेले ही खाया उन्होंने, अलग ही बनाया फिर चाय बनाई। मैगी के टाइम पे सारे बैठे तो थे, जब वही कह रहे थे लोकल ड्रिंक ट्राई करें, तब मैगी तो बन रहे थे। हो सकता है, लेकिन मैगी भी उन्होंने, लेकिन वो जो चिकन बनाने का चक्कर था ना, वो रह गया, वो रह गया, अटक गया वो, फिर सबके साथ जो मिलके। अच्छा, चप्पल दो कलर की मिली। हाँ। लेकिन अच्छा, उनको कंफर्टेबल लगा होगा चप्पल में पाँव डाल के, जाहिर है। अच्छा, एक और चीज है, मुझे एक चीज और लग रही थी कि शायद इनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, लेकिन वहां जाकर भी मुझे लग रहा था कि चीजों की कमी बेशी हुई है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें जैसे कम हो जाती हैं, या जूते इंसान के पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, या जो स्लीपर हैं जो इन्हें कहीं से मिले, वो एक्स्ट्रा होने चाहिए, वो होने चाहिए, जिससे ट्राउज़र टाइप की चीज़ होनी चाहिए, इंसान वहाँ पहुँच के जब रात गुजारे तो इंसान बिल्कुल चिल होके गुजारे। अच्छा, कह रहे थे इंडिया के हर खत्ते के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, असम वाले भैया भी हैं, कर्नाटका से भी हैं, दिल्ली से भी मिले थे, हरियाणा से, दिल्ली से भी हैं। दूसरी बात, मुझे ये एक चीज़ जो मैं इनको इनकी उस चीज़ को सराहना चाहूँगी, बड़े हिम्मत वाले हैं। जब ये टेंट के अंदर गए थे ना, तो मुझे लग रहा था ये मुश्किल से दो चार जुमले बोलेंगे और बस स्टैंड अप कर देंगे और बोलेंगे, शायद सुबह में बोल दें कि मैं सो गया था रात, मेरी तबीयत थोड़ी सी वो नासाज हो गई थी या मैं थक गया था। लेकिन मैं दाद दूंगी इनकी हिम्मत को कि लेट कर भी उन्होंने सी ऑफ किया है तरीके से, उससे पहले भी काफ़ी देर तक बातें करी, पूरी चाय जो है वो भी रिकॉर्ड करी। तो मैं कहूँगी इन लोगों की बहुत मेहनत होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत हिम्मत वाले होते हैं कि अगर आपकी तबीयत नहीं भी कर रही है, क्योंकि वो जो टाइम था ना, तो नहीं मैं फील कर पा रही थी कि मैं भी होती ना तो मैं बोलती यार बस बाकी सुबह में कर लूंगी, अब मैं सो जाऊँ, और ये एक जुमला बोल दिया गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, लेकिन बाकायदा उन्होंने प्रॉपर चीजें बताई, ट्रैकिंग करके एक बंदा आया, उसके पाँव की हालत क्या हो रही थी, दर्द हो रहा था बॉडी में, कि बस अब मैं किसी तरह निपटा दूँ। लेकिन मैं बोलूँगी बहुत हिम्मत वाले होते हैं कि आखिर तक भी इख्तिताम भी किया तो रात में ही किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही ज़्यादा जिस भैया ने ये सजेस्ट किया हमें वीडियो, बहुत मतलब बहुत एक बिल्कुल रियलिटी, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही मतलब है कि बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक को तो उन्हें कह भी दिया कि नहीं मेरा पहला व्लॉग है, मैं पहली बार आया, तो कह रहे तुमने तो जन्नत से ही स्टार्ट कर दिया ट्रैक, पहला ट्रैक है, पहला ट्रैक है, तो बहुत ज़बरदस्त। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।